हेलो, तैयार हो जाओ साथियों, अब वक्त है पॉपकॉर्न खाने का। हाँ। तो शुरू होने जा रहा है ऑपरेशन पॉपकॉर्न। काम थोड़ा मुश्किल है ना स्किपर? फिर भी हम कर लेंगे स्किपर। पॉपकॉर्न, ऑल द बेस्ट रिको, अब जाओ। प्राइवेट, उस बच्चे का ध्यान खींचो। अभी लो स्किपर, मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है, मेरी मॉम भी ऐसे ही बनाती थी। नाच मौत, उन ना समझ इंसानों को नाच के दिखाओ और बदले में वो हमें मजेदार पॉपकॉर्न देंगे। पॉपकॉर्न मुझे पसंद है। मॉरिस, तुम तो हिल भी नहीं रहे। ध्यान दो, आंखें खोल कर देखो, दोनों आंखें मॉरिस, तुम्हारी खराब वाली भी। मेरी आंख खराब? डोंट बी सैड, मेरी भी एक आंख टेढ़ी है। आ जाओ राजा जूलियन के डांस मूव्स में खो जाओ। सुनो प्यारे एनिमल लवर। हाय, मैं हूँ जू के पैरालिस। क्या तुम ये जानते हो कि इस जू के हर जानवर को एक खास डाइट ही दिया जाता है? हाँ शायद। तुम्हें पक्का यकीन नहीं है, है ना? मैं तुझे एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन। जानवरों को खाना खिलाना मना है। मॉरिस, इन सब को चुप कराओ। ऑर्डर, ऑर्डर। सुनो मेरे दोस्तों, बस करो, सब के सब शांत हो जाओ। वाह, ये हुई ना बात। मैं पॉपकॉर्न के बिना नहीं रह सकती। पॉपकॉर्न, 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 पॉपकॉर्न। मैं सबको पॉपकॉर्न ला कर दूंगा। मुझे कुछ बदबू आ रही है। हाँ, मुझे भी इन पर भरोसा नहीं है। नहीं, मुझे सच में इनसे बदबू आ रही है। मॉरिस, एक खिड़की खोल दो। हम जान चुके हैं कि एलिस अड़ गई है, उसने जानवरों को खाना ना खिलाने की पॉलिसी लागू कर दी है। सारी पॉपकॉर्न सप्लाई लाइंस काट दी गई हैं, सब खत्म। पर डरने की बात नहीं है, हमारे पास एक प्लान है। रिको, मॉरिस, मेरा प्लान कहाँ है? तुम भी मुँह से एक प्लान क्यों नहीं उगलते? और इस बदबू का जल्दी कुछ करो। बदबू तो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है, पिछड़े हुए जानवर। स्किपर को टीम प्लेयर्स अच्छे लगते हैं। और मुझे भी, जब तक मैं टीम का इंचार्ज हूँ तब तक। ओके, मेरे शाही दिमाग में एक प्लान बन रहा है। पहले, सबसे पहले उस जू कीपर एलिस से पीछा छुड़ाना होगा। बिल्कुल नहीं, वो उसकी जगह किसी और को ले आएंगे जो उससे भी बदतर होगा। मुझे कोई सुझाव दो कोवाल्स्की। तुम सोचो। गुड, जो करना है मैं ही करूंगा। सुनो बिना पर वाले पंछी, तुम्हारा राजा जो मैं हूँ बहुत ही बिजी है। शायद तुम्हारे भेजे में बात घुसी रही बुद्धू। इस जू में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। और तुम्हें किसी ने भी इंचार्ज नहीं बनाया है, सही कहा ना? कौन कहता है मैं इंचार्ज नहीं हूँ? इंचार्ज होना ही तो राजाओं का काम होता है, इसलिए शट अप। मेरा वोट आपके साथ है। पैर रुक, नहीं, मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। ओके ओके, चलो हम सब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। अगर हम पॉपकॉर्न लाने के लिए साथ मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो जाने दो। ओके, तुम सब अपने अपने तरीके आजमा लो और जिसका तरीका चला वो जीतेगा। गुड लक। हम तो हार ही नहीं सकते। वो तो देखा जाएगा, क्योंकि मेरा भी हारने का इरादा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कभी हारना सीखा ही नहीं। मतलब तुम हमेशा जीते हो? नहीं, मैं अकेला नहीं जीता हूँ, हम तो सभी यहाँ जीत जागते हैं। हम सभी यहाँ खाने वाले हैं पॉपकॉर्न। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? उससे बेहतर, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। क्या हम ये काम प्रोफेशनल्स पर ही छोड़ दें? यही ठीक होगा। रिको, ये लाल सिंबल कह रहा है, जिसका मतलब शायद ही कोई जानता हो कि हम यहाँ हैं। ऐसा कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता। संता की बीवी बंदा के साथ भाग गई है। वो बताओ जो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये बात मैंने ही तुम्हें बताई थी। 11 बजे तक स्नैक स्टोरेज फैसिलिटी पहुंचना है। ओ, सिर्फ 3 मिनट बाकी है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
रिको, मिशन पर गर्लफ्रेंड को लाना मना है। सॉरी प्यारी डॉल, शायद किसी और जगह, किसी और वक्त। चलो दही हंडी हो जाए। टारगेट दिख गया। थोड़ी देर और प्राइवेट। अब रिवर्स पल्टी मारो। चलो इनसे उन गंदे से चलने वाले पंछियों की बदबू आ रही है। मुझे शक है कि वो इसी तरफ आए हैं। बहुत खूब। पॉपकॉर्न कहाँ है? पॉपकॉर्न यहाँ है। तुमने तो कमाल कर दिया। स्किपा देखो, अपने गंदे पंजे हमारे पॉपकॉर्न से दूर रखो। ये तुम्हारा नहीं है, इसे मॉट ने ढूंढा है ना मॉट? जिसे मिला वही मालिक है। कोवाल्स्की, कोई रास्ता बताओ। कोई रास्ता नहीं है स्किपर, ये रूल तो बिरबल के जमाने से चला आ रहा है। थत्तेरे की, एक और बोरी लेकर आओ। अब तैयार हो जाओ पॉपकॉर्न की दावत खाने के लिए। रिको, ये तो बोरी पर बनी तस्वीर जैसा है ही नहीं। अब ये तो बहुत ही सख्त है। सिर्फ मैं राजा जूलियन इसे खाने लायक बनाने का राज जानता हूँ। स्किपर, इसको उड़ा दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, ये बताने ही वाला है। ये पॉपकॉर्न के अंडे हैं, इन्हें अपनी गर्मी देकर पॉपकॉर्न को बाहर निकालना होगा। अरे ये तो बहुत ही अजीब सा क्या ऐसा करना ठीक होगा? मालिन, मुझे लगता है तुम कहना चाहती हो कि ये बेवकूफी होगी। जब मुझसे पॉपकॉर्न निकलना शुरू हो जाएगा तब तुम सबको पता चलेगा कि बेवकूफ कौन है। हम उस बेवकूफ की बात नहीं मानेंगे, हम पॉपकॉर्न बनाने का राज जान कर रहेंगे। स्किपर, एलिस यहीं आ रही है। रिको, बत्तियां गुल करो। क्या तरीका है, इट्स डिफरेंट। रिको, मॉट, मॉरिस आ गया, एक एक अंडा उठा लो। अब इसे अपने नीचे रख दो, बिल्कुल इस तरह। अब मन शांत करके इस पर बैठे रहो। चलो मेरी तरह करो। मेरा पॉपकॉर्न निकल रहा है। ये वाला तो इसे ही खाना होगा। हमें जवाब चाहिए जल्दी। बताओ मिस्टर, तुमसे पॉपकॉर्न कैसे निकलता है? या तो तुम चुपचाप बता दो या फिर तुमसे रिको गलवाएगा। स्किपर, हमारी बोरी फट गई। फट गई? सुनो एलिस, तुमने हाथी के केज की सफाई की या नहीं? अभी नहीं, मैं वेयरहाउस की चोरी की तहकीकात कर रही हूँ। पॉपकॉर्न की दो बोरियां गायब हैं और शायद मुझे सुराग भी मिल गया है। पेंगुइन्स। स्किपर, शायद एलिस को हम पर शक हो गया है। हटो, मुझे देखने दो। कोवाल्स्की, रिको, पानी में जाओ। प्राइवेट, चलो इन्हें जला देते हैं। इनके जलने के बाद उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। स्किपर, कुछ हुआ है। गड़बड़ हो गई। भूकंप! मुझे पता था। निकल है! मुझे सीलिंग पर ऐसा कांटेदार डेकोरेशन नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऐसा ही समझ लो। अब मैं उनको नहीं छोड़। अरे एलिस, वो गायब हुआ पॉपकॉर्न तुम्हें अब तक मिला कि नहीं? हाँ, समझो मिल ही गया। ये तो पॉपकॉर्न का तूफान है या फिर पॉपकॉर्न का सुनामी। स्किपर, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारा जवाब नहीं। मालिन, तुम कह सकती हो मिशन पूरा हुआ। हम उस राजा से जीत गए स्किपर। सच कह रहे हो प्राइवेट? उस पागल राजा के होश ठिकाने आ जाएंगे, ये बात तो तय है। मुझ में तो जादू भरा है। पॉपकॉर्न के देवताओं ने मेरी पुकार सुन ली है। थैंक यू पॉपकॉर्न के देवताओं।
क्या अब भी तुम्हें मेरे राजा होने पर कोई शक है? ये तो मेरा पैदाइशी हक है, राइट? राइट। पता है साथियों, अब मैं पॉपकॉर्न खा खा कर ऊब गया हूँ।